अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। छठे दिन रमजान पे मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैंने सोचा कि आप लोगों को टाइम मिले, आप अंडरस्टैंड करो कि क्या आपके लिए क्या ठीक रहता है, हाउ टू प्रिपेयर नीट इन रमजान। बहुत सारे कमेंट्स टेलीग्राम से, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू टैकल दिस थिंग इन रमजान। तो मैंने इस तरीके को ऐसे इन दिनों मैंने बात करी कुछ फ्रेंड्स से, कुछ तो थोड़ा उन्होंने बोला अपनी जर्नी, हाउ डिड दे प्रिपेयर देयर नीट इन रमजान। लेट मी समराइज दैट, बट बिफोर समराइजिंग दैट आई'ड लव टू पोंडर अ पॉइंट ओवर हियर दैट रमजान इज इम्पोर्टेंट नो मैटर वट गेट्स अफेक्टेड। रमजान इज इम्पोर्टेंट क्योंकि लाइफ पे कोई भरोसा नहीं, अभी जिंदा है कल मर जाओगे या मैं मर जाऊंगा, रमजान वोट कम अगेन ब्रदर, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, इट्स अबव एवरीथिंग रमजान। अल्लाह आपको मदद करेंगे, आस्क अल्लाह, इसमें ये रहमत है मेरे लिए। तो भाई मैं खुश नसीब हूँ, मैं विटनेस कर रहा हूँ रमजान, क्योंकि दिस टाइम आई एम फीलिंग टायर नीड ऑफ इस्तिगफार। बहुत सारे गुना अल्लाह ने ये इस्तिगफार का सिलसिला अभी हर के लिए दरवाजे खुले हैं। मांगो, मैं भी मांग रहा हूँ, इंशाल्लाह माफ़ी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने एक पर्दा रखा है सत्तारुल उयूब। अगर वो ये पर्दा हटा देना तो मैं आपके सामने बोल ही नहीं पाऊंगा, आप मेरे सामने बोल ही नहीं पाऊंगा, हम एक दूसरे को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। सो अंडरस्टैंड द फैक्ट, रमजान इज इम्पोर्टेंट अबव एवरीथिंग। इसमें आप कुछ भी इफेक्ट करो बट इबादत मस्ट नॉट गेट इफेक्टेड। कुछ बोलते थे हम तरावी नहीं पढ़ते थे, ये तरावी इज देयर इम्पोर्टेंट, जो पढ़ो जैसे पढ़ो, आप घर पे पढ़ो तरावी, अकेले पढ़ो, वट एवर, बट स्टडी वुड गेट इफेक्टेड। हर किसी का होता है, इसमें होता है बिकॉज एक 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 तरीके से अलग रूटीन ही बन जाती है, अचानक से आप 4 बजे उठते हो, ये सब वो सब, दैट्स इट। सो समराइजिंग द फैक्ट, हाउ वुड यू you know tackle this Ramadan and neat together, first of all hum baat karenge ki timetable, meri baat suno, there is no timetable ek ye inna salata kanat mu'minina alal mu'minin kitabam mawquta, aapko apne time pe namaz farz hai, Allah taala ne timetable banaya namaz ke liye, baki किसी और के लिए टाइम टेबल नहीं है। आपने लिखा है 6:30 मेरे को ये पढ़ना है, पतला 6:30 से पहले ही सो गए आप, ना फजर ना 6:30, और आपको कहानी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। सो व्हाट इज टारगेट टेबल इज इम्पोर्टेंट, नॉट टाइम टेबल। टारगेट बनाओ दिन में, आई सजेस्ट यू टू एक्चुअली गो विद द पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 3 दिन में एक टेस्ट दे दो, 3 दिन के बाद 4th दिन। तो इस तरीके से आप 4 पार्ट टाइम टेबल पार्ट वाइज टेस्ट में आप पूरा सिलेबस कवर करोगे। लेकिन आपको एक टिप यह है कि कम खाओ, कसम से रमजान में कम खाओ, मर नहीं जाओगे, कम खाओ, उससे आपको बाकी चीज़ें कम इफेक्ट हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा ठूसोगे इफ्तार के टाइम पे, तो इफ्तार के बाद ही आप स्लीपी फील करोगे, फिर रात को पढ़ना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो नंबर 1, इफ्तार को आपको करना है विद शुगर, बाबरी त्रेश, दूध त्रेश, लीव दैट, वो सब कुछ, प्लेन वाटर, फ्यू डेट्स, इफ्तार करो, हैव सबर, उसके बाद नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो, उसके बाद 1-2 घंटा पढ़ो। मैं बताऊंगा दिन में, जब अभी टाइम दो बजे हुए, तो द स्टमक इज कम्प्लीटली एम्प्टी ऑलमोस्ट, और जो माइंड है ना वो हल्का फील कर रहा है। सो दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक, फॉर बायोलॉजी। और आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल वहाँ से आए आप, सुबह सहरी खाई, फजर पढ़ा, कुरान शरीफ की तिलावत की, अगर आप स्लीपी फील नहीं कर रहे हो देन गो, फिर आपके अपने अकॉर्डिंग, इफ यू आर फीलिंग बिट स्लीपी बट यू वॉन्ट टू रीड देन गो विद फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स आपको सुनने नहीं देगा, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री यू हैव टू सॉल्व, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स यू हैव टू सॉल्व, सॉल्व विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, अदरवाइज यू विल फील स्लीपी एंड द पैटर एंड देयर द नीट गायब एंड यू स्लीपी, ओके। सो दिस शुड बी डन, उसके बाद वट यू आर गोइंग टू डू इज, अगर आपको स्लीपी फील कर रहे हो, आ जाओ वहां से, सो जाओ, 10:30 उठो, उसके बाद हल्का फील कर रहे हो ना, बायोलॉजी, मैं बोल रहा हूँ रमजान में बायोलॉजी खत्म करो, इतना बायोलॉजी, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, याद करने वाले चीजें दिन भर, ठीक है। फिर शाम के बाद, ईशा के बाद वहां पे आओगे, तरावी पढ़ोगे, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अगर फील कर रहा है स्लीपी बट यू हैव टू स्टडी देन गो विद फिजिक्स, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। आई टॉक्ड विद मेनी एस्पिरेंट्स हु हैड गॉन थ्रू दिस फेज एंड नाउ इन द कॉलेज, दे टोल्ड मी दैट, कुछ लोग आते थे फिर 1-2 घंटा सुबह पढ़ते थे, फिर सोते थे 11-12 बजे उठते थे, फिर वो 1 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद फिर लगातार आफ्टर यू नो जहर हम असर तक पढ़ते थे, फिर असर के बाद इफ्तार तक, इफ्तार से पहले कुछ दुआएं हुआ वो करो आप। समराइज ये है कि अपनी अपनी फिजियोलॉजी, भाई साहब खुद सोचो, मैं एक तरीके से रियलिटी बताता, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहां से आऊं, मैं आपको कुछ तुक्के बताऊं, कुछ नुस्खे बता दूं, आह रमजान मुबारक, तरावी बंद, ये उठाओ
किताब और आप पढ़ो, हो जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं होता। दुआ कसम से, मेरे लिए भी मांगो, अल्लाह मुझे माफ करे, खुद के लिए भी मांगो और अल्लाह से कहो यार रब्बी 2 घंटे इसमें मदद करो, अल्लाह मदद करेंगे, कसम से वो मदद करेंगे, इन वेज यू हैव नेवर इमेजिन, यू हैव नेवर सीन, वो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होता कि किस तरीके से आपको मदद मिलेगी। ठीक है, रमजानुल मुबारक, अल्लाह आपको कामयाबी दे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त वो 14-15 घंटे वाला स्ट्रेटजी नहीं काम आने वाले, क्योंकि वो है ही नहीं ना यार, 14-15 घंटे दैट्स नॉट अवेलेबल, वो है ही नहीं ना ऊपर से। व्हाट इज अवेलेबल इज इस्तिगफार, व्हाट इज अवेलेबल इज रमजान, रमजान मुबारक कसम से। जब ये हमसे दूर होता है रमजान, फिर पता चलता है ये कितने कितना इंपॉर्टेंट था। अल्लाह आपको मुझे ये रमजान बड़ा ही प्यारा नसीब करे, इसमें हमें माफ करे, क्योंकि कसम से इतने गुनाह हो चुके हैं हमसे, इतने गुनाह मतलब भर भर के, पता ही नहीं चलते। ये दौर ही ऐसा है ना कि ये दौर अपनी बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इसमें इस दौर में यार मुझसे आपसे अनचाहे कुछ भी करो, यू विल फॉल इन टू द ट्रैप, आई हैव बीन देयर, आई एम स्टिल, अल्लाह माफ करे। बस रमजान मुबारक, टारगेट्स बनाओ, उनको कंप्लीट करो, अल्लाह जी मदद करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरे लिए दुआ करे। वस्सलाम अलैकुम।